नमस्कार। मधेपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, 4 दिनों में 4 हत्या को दिया अंजाम। मधेपुरा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 दिनों में बीती रात 4थी हत्या हो गई। ताजा मामला मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लालचंद का है, जहां बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब किशोर अपने पिता के साथ दरवाजे पर बने झोपड़ी में सो रहा था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लक्ष्मीपुर लालचंद वार्ड नंबर 1 निवासी फूलचंद महतो अपने पुत्र ऋतिक चंदन कुमार के साथ दरवाजे पर बने फूस के झोपड़ी में सो रहा था। रात करीब 12 से 1 के बीच अज्ञात अपराधियों ने झोपड़ी के टाट में छेद कर ऋतिक के ऊपर गोली चला दी, जो गोली उसके सर में लगी। गोली चलने के आवाज पर जब तक पिता की नींद खुली और वह बाहर निकले, तब तक अपराधी भाग चुके थे। आसपास के लोगों और परिवार वालों को लगा किसी ने फटाका फोड़ा है। आनन फानन में घायल अवस्था में ऋतिक को बिहारीगंज PSC लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ऋतिक बेंगलुरु मेट्रो में मजदूरी का काम करता था। दुर्गा पूजा के समय वह अपने घर लक्ष्मीपुर आया था और चुनाव के कारण गांव में ही था। इस दौरान गांव की राजनीति में वह सक्रिय था। वह खुद तो उम्मीदवार नहीं था, लेकिन चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। परिजनों की मानो तो ऋतिक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में लोग चुनावी रंजिश में ही लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से। छोटा सुतल लिए 1:30 बजे रात में कोई अपराधी आपके गोली मार कर चल गए। दरवाजा पर सुतल लिए बंगला में जी। तब वहाँ से लिए बिहार हॉस्पिटल लिए, थाना बोले लिए, थाना पुलिस अले लिखल के भागलपुर जा रही है, गमेले में खत्म भै गए, नुकसान भै गए। तो भेज दिल के थाना परिवार यहाँ मधेपुरा पुष्पांडोम में। घटना तो भले यहाँ सुतल है, वही में भले हमारे से तो नहीं जान लिए सर। कब हुआ घटना? करीब करीब 11 बजे 12 बजे 1 बजे 1 बजे